हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बदलते हुए मौसम में होने वाली परेशानियां जैसे कि जुखाम, सर्दी, खांसी, फीवर जैसी समस्या को ठीक करने की बहुत ही ज़्यादा कारगर और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी इस समस्या से परमानेंट निजात पा सकते हैं। अक्सर होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो चाहे बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों या फिर एडल्ट हों, सभी को ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है कि मौसम बदलते ही जुखाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, फीवर आ जाता है और उसके बाद खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। और जो समस्या होती है जल्दी ठीक नहीं होती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे हर बार ये समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चाहे बच्चे हों या फिर एडल्ट हों या फिर बुज़ुर्ग हों, सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, इस टेंडेंसी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन होती है, जिसको अगर आप यूज़ कर ले तो ये मेडिसिन आपके इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करती है, जिसकी वजह से बार बार बदलते हुए मौसम में होने वाली जो समस्याएँ होती हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्या को आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो में बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी डोजेस कैसे रहेंगी, बच्चों को कैसे देना है और बड़े कैसे दे सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, तो अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन साफ सभी से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन जो दिया है उसे प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कौन सी वो मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने कोराइजा की कंडीशन को आप ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, चाहे बच्चे हों या फिर एडल्ट हों या फिर बुज़ुर्ग हों, लगभग सभी में देखने को मिलता है कि मौसम चेंज होते ही जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, फिर फीवर आ जाता है, उसके बाद फिर खांसी आना शुरू हो जाती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और अक्सर लोगों को देखने को मिलती है, और जिन लोगों को ये परेशानी रहती है तो उनको ये समस्या बार बार होती रहती है कि जैसे ही मौसम चेंज होगा, चाहे गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी हो या फिर बारिश के मौसम में, ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में बदलते हुए मौसम में ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत ही ज़्यादा अनॉइंग होती है। इसकी वजह से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बार बार जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं, फीवर हो जाता है, खांसी आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और बच्चों तो खासतौर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तो ऐसे में ये जो मेडिसिन होती है बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करती है, जिससे बच्चे जो अगर आप बार बार बीमार होते हैं तो उसकी समस्या को ये ख़त्म करती है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आज आप सभी से मैं बात करूंगी एसवीएल ब्रांड के बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है और कोराइजा के नाम से ही आती है। कोराइजा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, उसके बाद फिर बच्चे को या जो भी पेशेंट होता है उसको फीवर आने लग जाता है, उसके बाद खांसी की समस्या भी देखने को मिलती है। तो इन सारी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप इस मेडिसिन को इनिशियल स्टेज में ले लेते हैं तो आगे का जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को जुकाम की शुरुआत हुई है, शुरुआती में अगर आप इसको दवा को ले लेते हैं, या फिर कोई बड़ा एडल्ट ही है अगर उसको जुकाम हो गया है और तुरंत ही वो उस मेडिसिन को अगर ले लेता है, तो आगे उसको फीवर नहीं आ पाता है और खांसी की समस्या देख नहीं हो सकती उसको। इन्फेक्शन होता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, जिसकी वजह से सबको खांसी की भी समस्या देखने को मिलती है और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बुखार भी आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनॉइंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं 1 से 2 महीने के लिए, तो ये जो मेडिसिन होती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देती है, जिसकी वजह से बदलते हुए मौसम में बार बार होने वाली सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या से आप परमानेंटली निजात पा सकते हैं। अदर पैथी में इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं उस मेडिसिन के बारे में। तो बायो कॉम्बिनेशन एसबीएल का होता है, जो कि 5 नंबर से आता है, कोराइजा के नाम से आता है, जिसका जो प्राइस होता है वो 105 रुपये के अराउंड आता है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 है एसबीएल ब्रांड का, और 25 ग्राम की पैकेजिंग में है और 105 रुपये का आता है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐड करी गई हैं, जो कि हमारे एक्यूट कोराइजा जैसी कंडीशन को ठीक करती हैं।
जैसे कि इसमें नेट्रम म्यूर ऐड करी गई है, काली म्यूर ऐड करी गई है, काली सल्फ ऐड करी गई है और इसमें फेरम फॉस्ट ऐड करी गई है। तो वन बाय वन मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि जो फेरम फॉस्ट होती है वो फीवरिश कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जिन लोगों को बदन में दर्द रहता है, फीवर जैसी कंडीशन हमेशा बनी रहती है, बदलते मौसम में फीवर हो जाता है, बॉडी में हरारत रहती है, बैकएक की परेशानी होती, बॉडी एक की परेशानी होती, उसके लिए ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो काली म्यूर है। काली म्यूर भी तो कोराइजा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपके नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। तरीके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे उसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है, हमारी नेजल म्यूकोसा पे, हमारे ट्रेकिया पे, लंग्स पे इसका एक्शन होता है। तो बलगम जैसे बहुत ज़्यादा बनता है, बलगम की समस्या रहती है, गले में बलगम गिरता है, नाक से बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है, गाढ़ा पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता है, उसके में काली म्यूर का एक्शन बहुत अच्छे से होता है। बार बार नाक से डिस्चार्ज आता है, नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है काली सल्फ है। काली सल्फ का भी बेसिकली ये फंक्शन होता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर का होता है और पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, बहुत एक्सेसिव डिस्चार्ज निकलता है नाक से, और जो हमारा जो नेजल कंजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाक बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा बलगम चेस्ट में फंसा हुआ रहता है, तो उसको निकालने की बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। इसके बाद इसमें जो नेट्रम म्यूर मेडिसिन ऐड करी गई है, तो ये जो फ्रिक्वेंट कोराइजा की जो टेंडेंसी बनी हुई है आपकी, आपको लगातार कि जैसे ही मौसम चेंज होगा तुरंत ही आपको जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कफ की समस्या देखने को मिलेगी, तो ऐसे में नेट्रम म्यूर ये फ्रिक्वेंट टेंडेंसी को ख़त्म करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो बेसिकली इसमें जितनी भी मेडिसिन ऐड करी गई हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट मेडिसिन हैं, जिनका एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है, हमारे नेजल म्यूकोसा पे होता है, हमारे लंग्स पे होता है, हमारे सिस्टम पे होता है। तो हमारा अगर आपको मौसम बदलते ही जुकाम हो जाता है, छींक आती है, नाक से पानी आता है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, गले में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, फीवर आ जाता है, बॉडी एक रहता है, उसके बाद आपको कफ की भी समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और ये मेडिसिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। बच्चों में इस दवाइयों को बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। पर्सनली मैंने अपने जो पेशेंट्स को जो रिकमेंड किया है उन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इस मेडिसिन को आप नियमित रूप से 3 से 4 महीने तक यूज़ कर लेते हैं तो ये परमानेंटली आपकी बॉडी में जो होने वाले जो फ्रिक्वेंट एक्यूट कोराइजा कंडीशन और फीवरिश कंडीशन को और कफ की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। तो अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो अगर आपको बच्चों को देना है, 10 साल से कम आयु का अगर आपका बच्चा है तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार अपने बच्चे को आप दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। इस मेडिसिन को आप 15 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं अगर कंडीशन ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को अगर आप 2 से 3 महीने तक अपने बच्चे को खिला देते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है और फ्रिक्वेंट कोराइजा और फीवर जैसी कंडीशन को ठीक करती है। और अगर एडल्ट को देना है तो इसकी 6-6 टैबलेट दिन में 3 बार आप एडल्ट ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं और अगर आपको कंडीशन बना मिलता है तो आप 15 दिन लेकर के इसको छोड़ सकते हैं। ये इस मेडिसिन के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही एक्सेलेंट रिज़ल्ट हैं। फीवरिश कंडीशन को, कोराइजा जैसी कंडीशन को, बार बार होने वाले सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा होती है। तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करिए तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करना करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या सभी को देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।